अस्सलाम वालेकुम किड्स, हाउ आर यू? यस, इट्स आवर इंग्लिश टाइम। और आज अपने इंग्लिश टाइम में हम क्या करेंगे? कल हम डो से मिले थे। डो के अराउंड हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी थी, है ना कल। लेकिन हमने डो पे जो कलर, डो पे जो ट्रेसिंग की थी वो सिर्फ 4 to 5 टाइम्स की थी, है ना। आज हम ट्रेसिंग ज़्यादा करेंगे और पिक्चर एक देखेंगे। कल हमने पिक्चर ज़्यादा देखी थी और ट्रेसिंग सिर्फ 4 to 5 टाइम्स की थी। चले, ट्रेसिंग भी तो हमारी परफेक्ट होनी चाहिए ना, ताकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से ड लिखना आ जाए, है ना। चले, ओके, लेट्स लुक एट द बोर्ड। लुक एट योर आइकन फर्स्ट। योर फर्स्ट आइकन इज रीड। रीड, देन ट्रेस। ट्रेस, कलर। कलर, राइट द डेट हियर। क्या है ये? यस, डियर। The deer, the deer, the deer, the deer, the, 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 the deer, the dolphin, the duck, the door, the dog, the key। इतनी सारी चीज़ें आती है डो से, है ना। तो अब हम करते हैं डो पे ट्रेसिंग स्टार्ट। नाउ पुट योर क्रेयॉन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉलो द एरोज। क्या लाइन थी इसकी? राइट टू लेफ्ट, लुक्स लाइक अ कर्व, अप एंड डाउन, टच द ग्राउंड, है ना। चलिए अभी हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। पुट योर क्रेयॉन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉलो द एरोज। राइट टू लेफ्ट, looks like a curve, up and down, touch the ground। दोबारा स्टार्ट करते हैं। पुट योर क्रेयॉन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉलो द एरोज। राइट टू लेफ्ट, looks like a curve, up and down, touch the ground, है ना। अब नेक्स्ट वन पे शुरू करते हैं। पुट योर क्रेयॉन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फॉलो द एरोज। राइट टू लेफ्ट, looks like a curve, up and down, touch the ground। दोबारा स्टार्ट करते हैं। Put your crayon at the starting point and follow the arrows। Right to left, looks like a curve, up and down, touch the ground। थर्ड वन पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। Now put your crayon at the starting point and follow the arrows। Right to left, looks like a car, up and down, touch the ground। दोबारा करते हैं। Put your crayon at the starting point and follow the arrows। Right to left, looks like a car, up and down, touch the ground। दोबारा करते हैं फोर्थ वन पे। Now put your crayon at the starting point and follow the arrows। Right to left, looks like a curve, up and down, touch the ground। दोबारा करते हैं। Put your crayon at the starting point and follow the arrows। Right to left, looks like a curve, up and down, touch the ground। जी, आपने करनी है इसी तरह। आपके पास है 1, 2, 3, 4 फोर डॉ, फोर डॉ पे ट्रेसिंग, है ना। पहले आप वन जो आपका जो फर्स्ट ड है उस पर ट्रेसिंग करेंगे 4 to 5 टाइम्स। उसके बाद सेकेंड वन पे भी 4 to 5 टाइम्स ट्रेसिंग करेंगे एंड देन थर्ड वन पे करेंगे, फिर आप फोर्थ वन पे करेंगे। ईच ड पे आप 4 to 5 टाइम्स ट्रेसिंग करेंगे, तो कितनी सारी ट्रेसिंग हो गई, है ना। आपकी ट्रेसिंग प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन आप डे पे करेंगे अप एंड डाउन पोजीशन पे अच्छी सी कलरिंग एंड देन पिक्चर क्लिक करेंगे। अपने टीचर को सेंड करके बताएंगे कि आज आपने कितनी सारी ट्रेसिंग की। ओके, बाय।